हाय बच्चों वेलकम टू अन एकेडमी CA 360 फाउंडेशन आई एम शिवानी शर्मा योर पेपर थ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर सो बच्चों आई नो अभी आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फ्यूचर में जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसने कहीं ना कहीं मन में ये ठान लिया है कि बनना तो यार मुझे सीए है बस अब कोई ढंग से रास्ता दिखा दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं तो तुम बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हो तुम्हें टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है मैं जल्दी से आपको यार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फिर डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आई हैव ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग मैथामेटिक्स बहुत समय से आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को मैथ्स मैंने पढ़ाया है एंड यस आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एम एस सी मैथ्स एंड बी एस सी मैथ्स मतलब इन शॉर्ट आप बस इतना जान लो कि आपकी मैम को मैथमेटिक्स से यार प्यार है एंड आई विल हंड्रेड परसेंट मेक श्योर कि तुम्हें भी मैथ से प्यार हो जाए सो आई विल बी टेकिंग योर पेपर थ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सी फाउंडेशन एंड आप में से काफी बच्चा यार मेरे से इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की पढ़ाई ऑलरेडी कर चुका है बहुत ही शानदार रिजल्ट अभी तक मेरे गाइडेंस में बच्चों के आए हैं एंड आप लोग का जो एक एक मैसेज रिसीव करती हूँ ना मैं एग्जाम के बाद वो इतना ज्यादा मोटिवेट करता है कि यस yes, बच्चों के सपनों तक उन्हें पहुंचाने के लिए आई कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड दैट इज समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी सो यस इस बार ठान लिया है कि तुम्हारे सपने पूरे करने हैं सो so, बच्चों आई वेलकम यू टू वन ऑफ द बेस्ट फैमिली बेस्ट बैच दैट इज महाबली बैच महाबली बैच में आप एनरोल करके फाउंडेशन सितंबर 24 या जनवरी 25 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से 100 परसेंट कंसे क्लैरिटी विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस विच वी अश्योर कि यार तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों की सरप्राइजेस इन द सेंस इन माई सब्जेक्ट अ लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स ओके सो so, महाबली बैच में सी ए राकेश कालरा सर आपका वेलकम करेंगे अपने सब्जेक्ट अकाउंटिंग के साथ शांतम गुप्ता सर आपको बिजनेस लॉ की क्लास दे रहे होंगे एंड ये सी ए आदित्य शर्मा सर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे एंड आई विल बी टेकिंग योर पेपर थ्री दैट इज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है 50% ऑफ है आप डेफिनेटली बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो ठीक है यार अभी बात करते हैं देखो तुम लोगों ने ना जरूर जरूर अपने भैया दीदी रिलेटिव ये किसी से भी जरूर सुना होगा सीए के बारे में तो यार एक एक करके सब लोग जल्दी जल्दी बताओ सीए के बारे में तुमने क्या सुना है अरे मैम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इसमें ग्रेट एंड मैम यू नो अबाउट द सिग्नेचर सिग्नेचर को यार एक सीए के सिग्नेचर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है एक सीए के सिग्नेचर के बाद बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं क्या बात है सैलरी की बात करें द सैलरी इज अनदर लेवल ओके देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ नाम नहीं रह जाता नाम के आगे ना एक प्रीफिक्स भी जुड़ जाता है और इस प्रीफिक्स के लिए ना जाने आप में से कितने बच्चे वो सपना देखते हैं यस सी एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल कोर्स है ओके वंस यू बिकम सी एस डेफिनेटली और लाइफ विल बी चेंज नो डाउट बहुत सारे बड़े बड़े काम आप करने वाले हो फिनेशियल एडवाइस प्रोवाइड करना अपने पूरे कंट्री के इकोनॉमिक लैंडस्केप में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है सो so, बहुत सारी चीजें आई नो कि आप बच्चा इतना ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी कर चुका होगा क्योंकि आपकी चमचमाती आंखों में भाई तुम्हारा सपना दिख रहा है बहुत सारे काम है जो एक सी करता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल एडवाइस टैक्सेशन यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट है ना सपना देखा है डेफिनेटली यू नो अ लॉट लॉट ऑफ अबाउट इट अब बस ये है कि मैं, तो है कि मैम डिसाइडेड तो करियर तो चूज कर लिया है बस ये है कि जो कुछ कुछ ऐसे मन में छोटे छोटे डाउट्स हैं वो डाउट्स अगर क्लियर हो जाए ना तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सके तो ठीक है चलो एक एक करके आपके सभी डाउट्स को लेते हैं सबसे पहला डाउट पेपर कब देते हो पेपर में कितने लेवल है और किस तरीके से क्या क्या पढ़ना पड़ता है तो बच्चा अपियर फॉर क्लास ट्वेल्थ आपने क्लास ट्वेल्थ के अपने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए आफ्टर यू हैव appeared इन your क्लास ट्वेल्थ आप सबसे पहले फाउंडेशन लेवल को फेस करते हो फाउंडेशन लेवल में चार papers होते हैं

ठीक है इसके बाद आता है पेपर फोर दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई फाउंडेशन लेवल यू शुड गेट 50% एग्रीगेट एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट 40 इन ईच सब्जेक्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम वंस यू क्वालिफाई द एग्जाम आप दूसरे लेवल्स पे जाते हो ठीक है इंटर एंड फाइनल राइट तो दिस इज हाउ साधारण तरीके से आई ट्राइड हेल्पिंग यू कि क्या क्या लेवल्स है और हर लेवल पे आपको क्या क्या पेपर देना है तो सबसे पहले वी आर फोकसिंग ऑन फाउंडेशन लेर करेंगे then level two, and then level three. Okay? तो बच्चा पार्टी इन फाउंडेशन लेवल दे आर फोर पेपर्स पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर सबसे प्यारा पेपर तुम्हारा कौन सा है आप बोल दो बस सबसे प्यारा पेपर कौन सा है पेपर थ्री

प्लीज से इट्स अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर ठीक है इट्स नॉट दैट ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री खतरनाक खतरनाक चीजें ये सब पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है इट इज नॉट प्योरली मैथ्स ओके तो दैट मीन्स इट्स नॉट दैट टफ मैम ना जी इट्स नॉट दैट टफ इट कैन बी क्लियर हंड्रेड परसेंट ओके डन अब यार एक चीज सोचो एज आई टोल्ड यू चलो एक हमको क्लैरिटी मिल गई हमारा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बट स्टिल एक मन में आता है ना कि व्हाई व्हाई पेपर 3 क्या जरूरत थी पेपर 3 को डालने के लिए तो बच्चों तुमको बनना क्या है क्या बनना है तुमको बनना तुमको सीए है सीए की जिंदगी किसके अराउंड घूमती रहती है मैम नंबर्स यस तुम जब तक तुम नंबर से प्यार नहीं करोगे तो तुम इस प्रोफेशन में ढल कैसे पाओगे बच्चा पार्टी यू नो कितने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ती है रियल लाइफ में तो हमारा पेपर थ्री ये इंश्योर करता है कि आपके अंदर जितना भी स्किल्स है ना जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इस प्रोफेशन के लिए वो सारी स्किल्स हम तुमको सिखा दें ठीक है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स और इनकी एप्लीकेशन जो हमारे बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में होती है इसके साथ टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स बेटा दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड यू नो इट इज एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड सो लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करना और सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका यूज करना इसके साथ यू नो वॉट आपका जो ये कोर्स है ना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है दैट इज पेशेंस कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क और ये सब जरूर चाहिए हमको पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं ना जब हम अपने धैर्य को पेशेंस को खोने लगते हैं लेकिन जब हम इतना रिगरेस कोर्स पढ़ चुके हैं हमें पता है धैर्य से सब हो जाएगा ऑल इज वेल राइट इसके साथ कंसिस्टेंसी हर दिन तुम्हें पढ़ना है ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया काम हो गया कंसिस्टेंट रहो ठीक है हार्डवर्क देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क जरूर जरूर करना है, ठीक है? है, है ठीक बच्चा पार्टी, ओके? Okay? देखो जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ यार, it's not mathematics. Maths नहीं पेपर का नाम है quantitative aptitude. Quantitative aptitude के अंदर ना तीन पार्ट्स आते हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है सबसे पहला पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स जो यार 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है 40 मार्क्स बिजनेस मैथमेटिक्स अब इसके अंदर क्या क्या है क्या पढ़ते हैं मैम मैथ्स तो है नहीं बता रही हूं बेटा एकदम चिल रहोगे आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है तुम तो एकदम सही जगह आ चुके हो तुमको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है ओके ओके मैम एल आर एल आर मतलब लॉजिकल रीजनिंग सो लॉजिकल रीजनिंग बेटा तुम्हारा ट्वेंटी मार्क्स का आता है एंड देन इज योर स्टेट्स विच कंटेन्स फोर्टी मार्क्स तो यार इस तरीके से तुम्हारा पेपर अगर तुम काउंट करोगे सो इट इज ऑफ 100 मार्क्स ठीक है सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बिजनेस मैथमेटिक्स 40 लॉजिकल रीजनिंग 20 एंड इसके साथ स्टैट्स 40 तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है ओके डन अंडरस्टूड अब बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या है फिर हम अपने पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे ठीक है तो एक बार जल्दी से आपके सामने पेपर के पैटर्न को यार मैं प्रेजेंट करती हूं बच्चों सबसे पहली चीज आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी हंड्रेड स्टॉक क्वेश्चन तुम्हारे सामने होते हैं अरे मैम हो जाएगा ठीक है टाइम सुनो बेटा टाइम टाइम आपको मिलता है दो घंटे का दो घंटे का तुम्हें समय मिलता है जिसमें तुम्हें हंड्रेड क्वेश्चन करना होता है अरे मैम उसमें क्या वो अक्ड बक्स ऐसे निपटा देंगे सुनो आगे बता रही हूँ रुको रुको जरा मार्किंग स्कीम भी है कुछ मार्किंग स्कीम क्या है करेक्ट करते हो तो एक नंबर मिलेगा इन करेक्ट अगर तुमने कर दिया देखो जरा इधर इन करेक्ट अगर तुमने कर दिया ना तो तुम्हारा पॉइंट टू फाइव मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा ठीक है पॉइंट टू फाइव मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा पेपर यस तुम्हारा एमसीक्यू टाइप का पेपर है पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है इतना सारा तुमने मुझे बताया कि मैम रिस्पेक्टेबल जॉब है ये है वो है मेहनत किए बिना मिलेगा क्या नहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी राइट तो ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लेंगे कोई टेंशन की बात नहीं है इसके साथ कैलकुलेटर क्या बात कर रहे हो मैम हाँ बेटा कैलकुलेटर इज अलाउड सबसे ज्यादा बेस्ट कैलकुलेटर यार विच आई आल्सो यूज मैं आपको एक बार बता देती हूँ यार आई यूज पांच सौ बारह जी टी कैलकुलेटर आई विल शो यू हेयर ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस कैलकुलेटर काफी अच्छा है तो मैं आपको क्लासेस में भी एकदम डिटेल से इसके बारे में बता दूंगी वैसे टेंशन की जरूरत नहीं है और हाँ आपका पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो क्वेश्चंस तुम्हारे मिक्स्ड होते हैं खिचड़ी होती है खिचड़ी यू लव खिचड़ी अरे हाँ तो बस यू विल एंजॉय द पेपर आल्सो खिचड़ी इन द सेंस सौ क्वेश्चन है तो उसमें यार बिजनेस मैथ्स का क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग स्टेट्स ये सब एकदम होते हैं पहला क्वेश्चन बिजनेस मैथ्स का फिर लॉजिकल रीजनिंग फिर स्टेट्स, मतलब दे जस्ट ऑल द ऐसा रहता है यस इस तरीके का पेपर आपके सामने आता है मैम ये वाली बात हमको बहुत ज्यादा मजेदार लगी कैलकुलेटर अलाउड है हाँ बेटा कैलकुलेटर अलाउड है कैलकुलेटर में ऐसा तुम टू, प्लस टू फोर कर रहे हो बहुत ही ज्यादा शानदार ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू तुम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स तो जो ये तुम्हें टाइम दिख रहा है ना ये टाइम भी तुमको लगेगा हाँ ठीक है हो जाएगा टाइम कब नहीं लगेगा सो दे आर लॉट्स ऑफ कैलकुलेटेड ट्रिक्स डोंट वेरी आई विल शेयर ऑल द कैलकुलेटेड ट्रिक्स इन माई क्लासेस ठीक है सो so, बच्चा पार्टी यार ये तुम्हारा पेपर का पैटर्न है एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि हमेशा आपको याद रहे और नेगेटिव मार्किंग भी है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो तुम कभी नहीं पढ़ते इस पेपर को है ना पता ना मेरे को जरा ये चीज चलो आगे चलते हैं सिलेबस को थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं आई नो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे यार जिनने मैथ्स नहीं लिया होगा 11 ट्वेल्थ में आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अभी टेंथ क्लास ना जस्ट पास किया होगा और सोच रहे हैं कि काश कोई हमें बता दे कि हमको यार मैथ्स कौन सा मैथ्स लेना चाहिए कोर मैथमेटिक्स की तरफ जाएं अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ जाएं क्या क्या करें और काफी बच्चा सोच रहा होगा मैम बनती नहीं है मैथ्स से दिक्कत तो नहीं हो जाएगी कहीं तो यार सभी सवालों के जवाब ना मैं आपको अभी अभी प्रोवाइड करती हूँ तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए अगर इनमें से कोई भी आपका ऐसा सवाल है तो बिल्कुल आपको शांति से वीडियो को सुनते चलना है बेटा बात करते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पेपर थ्री के बारे में That is quantitative aptitude. को decode करें, तो सबसे पहले आता है नजर फहराओगे ऊपर से लेकर नीचे तक अपने सिलेबस में तो सच्ची सच्ची बताना इसमें से कितने चैप्टर्स के नाम तुम अपनी बचपन वाली क्लास में आज सुन के आ चुके हो हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैद नहीं है सुना है चलेगा कोई बात नहीं

मतलब तो देखो सब सिलेबस को रेशियो प्रपोर्शन इंडा तो सुना है इक्वेशन अरे मैम इक्वेशंस तो चाटा है टेंथ क्लास में बहुत अच्छे तरीके से टेंथ में था इक्वेशन ओके भूल भी गए हो कोई टेंशन की बात नहीं है हम पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ठीक है लीनियर इन सिंपल चैप्टर किसी बच्चे ने अगर इलेवन ट्वेल्थ में मैथ्स लिया होगा तो वो बोलेगा इसमें कुछ ताई नहीं हम तो लीनियर इन इक्वालिटी को इलेवन ट्वेल्थ में भी भाव नहीं देते थे मैम ठीक है इतना सिंपल चैप्टर है और पेपर में भी आता भी सिर्फ एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन है इसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैम ये तो पढ़ा ही नहीं जिंदगी में अरे भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा क्या पढ़ा है ना भूल गए हो कोई बात नहीं इतना प्रैक्टिकल चैप्टर है ना ऑफ़ फाइनेंस चौदह से पंद्रह मार्क्स का तुम्हारे पेपर में टफ चैप्टर इट्स इट्स वेरी सिंपल चैप्टर इट्स ना कि अगर तुमको एक बार अगर समझ में ढंग से आ गया तो तुम कोई भी क्वेश्चन बना ले जाओगे

लेकिन तुम भी भूल गए होगे है ना भूल जाते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है जिन्हें नहीं पढ़ा है उनको भी लग रहा होगा हाँ मतलब सुना तो है मैम ऐसा नहीं है कि कभी सुना ही नहीं है नाम ही नहीं सुना कभी ऐसा सिलेबस नहीं है ठीक है फिर एंड फंक्शन यार इतना सुंदर चैप्टर है ना ये इतना सुंदर चैप्टर है कि तुमको मजा ही आ जाएगा ये एक ऐसा चैप्टर है जो यार मैंने अपने मैथ्स की जर्नी में इतनी बार पढ़ा होगा दैट यू नो इसका एक एक ट्रिक्स द राइट वे

That you will love this paper. चलो आफ्टर बिजनेस मैथामेटिक्स एक uh, दूसरा पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग का बच्चों में आपको सही बताऊकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे ना तुम खुद से ही बना लोगे सच्ची मुश्किल से एक दो तीन चार क्वेश्चन ही होंगे जहां तुम अटकोगे अदरवाइज मैग्जिम क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चे खुद ही बना लेते हैं तो तुमको भी बन जाएंगे ठीक है इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी लॉजिकल रीजनिंग पूरा तुम्हारा बीस नंबर का आता है बीस नंबर का लॉजिकल रीजनिंग आता है कौन बोल रहा था मैथ्स का पेपर है मैथ्स का पेपर है तभी सार्टी में मैथ्स नहीं लॉजिकल रीजनिंग हाँ ठीक है लॉजिकल रीजनिंग भी मैथ्स नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हाँ ठीक है सो यस लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा बीस मार्क्स का है इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज स्टैटिस्टिक्स सो so, स्टैटिस्टिक्स yeah, 40 मार्क्स कंटेन करता है और ये सबसे सुंदर अति सुंदर पार्ट है है आपका सिलेबस का पता क्यों यार दो घंटा मैम कम पड़ जाएगा वो जो एक दिमाग में टेंशन होती है ना वो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन ना आपका कम कर देता है क्या बात कर रहे हो मैम स्टैटिस्टिक्स हम में करते थे आंसर नहीं निकलता था कैलकुलेटर नहीं था तुम्हारे पास तब एल आउट और दूसरी चीज थ्योरी नहीं आती थी इस पेपर में स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी थ्योरी आती है

रिलेशन रिग्रेशन इंडेक्स नंबर तो से का नाम तुमने ना सुना हो सकता है, तो. you know, है ना तो और ज्यादा ईजी हो जाता है सच्ची सच्ची बताना आप में से कितना बच्चा आज अगर मैं तुमको अभी बोलूं चलो मैंने बोल दिया जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे एक बार वीडियो को दो सेकंड के लिए रोके ए से लेके जेड तक जरा सुना देना सुना सुना पूछेगी क्या हो गया मुझे तो लगा था बच्चा पेपर थ्री के बारे में पढ़ रहा है अरे तुम बोलो तो सही एबीसीडी बन गया ना तुमको ए टू जेड आज भी कंठस्थ है ना फर्स्ट टाइम पढ़ा था आज भी याद है तो जो भी नॉन मैथ्स वाला बच्चा है ना तुमको ऐसा टेंशन नहीं लेना है तुम इसमें से जो कंसेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तुमको जिंदगी भर याद रहेगा ठीक है चलो तो दिस इज योर सिलेबस एंड बात करते हैं कि मैम कैसे पढ़ना है क्या किताब हमें फॉलो करनी है तो बच्चों बिल्कुल स्टडी मटेरियल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नहीं दो नहीं तीन तीन, तीन बार स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लोगे फ़ायदे में रहोगे आफ्टर स्टडी मटेरियल मैम कहाँ मिलेगा स्टडी मटेरियल आप अगर आई की वेबसाइट पर जाओगे वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम जाएगी तो डेफिनेटली आई विल टीच यू हाउ यू कैन डाउनलोड ऑल द स्टडी मटेरियल वैसे तुमको टेंशन लेना नहीं है आपको क्लासेस में आई विल प्रोवाइड द ड्राइव लिंक पास सारे नोट्स पहले से होंगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आफ्टर स्टडी मटेरियल हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जरूरी है बिना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करे पेपर में जाना इज नॉट अ गुड आइडिया राइट तो मॉक टेस्ट पेपर देखे पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या आईसीआई हमसे पूछना चाहता है तो इसका एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है तो एम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है आफ्टर दिस पास्ट एग्जाम पेपर्स ठीक है सो मेमोरी बेस्ड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बिल्कुल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि पूछा क्या था ठीक है अब देखो यार जब तक हमें चीजें ढंग से नहीं पता होती ना तो हम लोग बहुत लॉस्ट होते हैं ठीक है मतलब यार हाँ प्रिपरेशन करनी है ओके आई विल स्टडी दिस आई विल सी दिस वीडियो आई विल डू दिस देन मैं यहाँ से पढ़ लूंगी देन मैं ये मटेरियल यूज कर लूंगी यू नो वट ये सब कुछ ना एकदम बिखरा बिखरा है चीजों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी होता है जब आपका सपना इतना बड़ा है ना तो थोड़ा सा आपको सीरियस होके स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है वरना आधा टाइम तो पता है तुम्हारा इसमें ही निकल जाएगा चीजों को कलेक्ट करने में कि यार ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है अरे उससे पढ़ लूँ अरे ये कर लूँ अरे यहाँ से पढ़ लूँ ये किताब ले लूँ वो कर लूँ ये सब करने में आपका आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि यार चीज़ें ढंग से नहीं निकली तो दैट्स वाई आई एम एडवाइजिंग दिस इज ऑन वेरी सीरियस नोट बच्चो आई एम एडवाइजिंग यू ऑल सपना देख लिया है ना तो, तो यार ढंग से पढ़ाई करना है स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है तो यार तुम तो ये मेक श्योर sure करने के लिए बच्चा पार्टी यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द महाबली बैच अच्छा एक मस्त चीज़ मैं आपको बता देती हूँ पेपर थ्री के बारे में इतना ज़्यादा सब बोलते हैं डिफिकल्ट है डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट है, है पर तुमको ना कुछ सीक्रेट बता रही हूँ ठीक है वैसे ये वाला सीक्रेट तो खैर सभी जानते हैं अबाउट द कैलकुलेटर ठीक है आई जस्ट टोल्ड दैट आई यूज दिस और पेट ओ टी पाँच सौ बारह जी टी वेरी गुड मॉडल और ये एक्चुअली अलाउड भी है आपके पेपर में आप डेफिनेटली इस कैलकुलेटर को ले सकते हैं अच्छा बच्चों अब यहाँ पे कैलकुलेटर ठीक है अब हम क्या तुमको क्या लगता है हम क्या कैलकुलेटर पे यहाँ पे ये यह सब करेंगे आठ प्लस आठ कितना होता है एट प्लस एट इक्वल टू ये सब करने वाले हैं क्या कैलकुलेटर ये जो यूज होगा ना वो जो उसका शानदार एक यूज होता है बेहतरीन यूज होता है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है दैट विल बी टॉट ऑन दिस कैलकुलेटर बहुत सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे हम इस कैलकुलेटर पे जिससे तुम अपने पेपर को जल्दी से सॉल्व कर सको कभी कभी बड़े बड़े फॉर्मुलेज लगाने में टेंशन होती है बट जरूरत ही नहीं है कुछ कुछ फॉर्मुलेज लगाने की ट्रिक्स याद करोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लोगे और ये सब कुछ हम शेयर करेंगे आपके साथ पहले ही कहा था ना स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसान है अदरवाइज अपने आप को थोड़ा सा लॉस्ट पाओगे पता है एंड सबसे ज्यादा खतरनाक चीज़ किसी भी एग्ज़ाम की एग्जाम की प्रिपरेशन में यही होता है द फीलिंग ऑफ लॉस्ट दिस एक्चुअली समथिंग विच इज़ वेरी स्केयरी और जब आपको भी पता है कि यार आप सिंसियर हो एक वो जो हो होता है ना आई नो आई एम सिंसियर बट सही गाइडेंस नहीं मिल पाया इसलिए सपने से कुछ पीछे रह गए दैट फीलिंग इज़ वेरी बैड एंड आई रियली अंडरस्टैंड दिस सो बच्चो दैट्स वाई टेलिंग यू अच्छे से पढ़ना है इसके बाद बच्चा यार यू नो वॉट अगर तुम अभी चैनल को देखोगे यू विल जस्ट टाइप शिवानी शर्मा मैम शॉर्ट ट्रिक्स यू विल गेट अ ऑल दीज ट्रिक्स हियर ठीक है ये तो कुछ ट्रिक्स हैं बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको प्लस क्लासेस में भी शेयर करूंगी तो येस yes, uh, यहाँ पे किसी को बताना नहीं है आपको ठीक है मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स है ठीक है किसी को बताना नहीं है और इन शॉर्ट ट्रिक्स से हम यार बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सो आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू ऑल जस्ट टू मेक श्योर एज इन द बिगनिंग आई टोल्ड कि जब तुम बच्चे यार पेपर देते हो पेपर क्लियर करते हो ठीक है एंड जब तुम एक तुम लोग का एक मैसेज आता है ना मैम पेपर बहुत अच्छा गया यू डोंट नो कि उस पूरे समय तक आपका जो एक एजुकेटर होता है ना उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो जाती नहीं है पता है वो ऐसी होती है यार येस yes, कर दिखाया ठीक है तो वी मेक श्योर कि तुमको यार जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है सब मिले और तुम अपने सपने तक पहुंच सको ठीक है तो बहुत सारी ट्रिक्स है ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स फ्यूचर में भी आती रहेंगी आप सब बच्चे आराम से इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हो ठीक है इसके साथ एज आई टोल्ड यू डेफिनेटली डू नॉट थिंक क्या करना है सोच लिया है ना बच्चा पार्टी सोच लिया है ना प्लान कर लिया है ना सी बनना है तो बस शुरू हो जाओ बेस्ट टीम महाबली टीम के साथ बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो शानदार तरीके पे तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है कंसेप्ट क्लैरिटी हंड्रेड परसेंट होगा आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व होता है Notes आपको प्रोवाइड किया जाता है तो कोई टेंशन की बात है नहीं सो टेस्ट सीरीज हाँ भाई बहुत सारे टेस्ट होते हैं बच्चों तुमको पता है तुम्हारे लिए प्लस क्लासेस है उसके बाद ना वी टेक सम स्पेशल क्लासेज ऑल्सो जहाँ पेकॉट ऑफ टेस्ट क्योंकि देखो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा होता है ना कि ऐसे तुमने पढ़ लिया फिर बस जा रहे हैं हाँ एग्जाम का दिन आ गया पेपर देकर आते हैं क्लियर हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता हर दिन तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना होता है और अपने आप को चैलेंज करने के बाद इवेल्युएट करना भी बहुत जरूरी है तो तुम्हारे लिए आप बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं इन सभी क्लासेस का स्केड्यूल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डीपली प्रोवाइड uh, कर दिया जाएगा सब पता चल जाएगा कैसे करना है क्या करना है जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन दैट्स इट तो भाई डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं बिल्कुल आई कैन से प्राउडली यू गेट इंडिया ऑज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंट्रैक्टिव होती हैं यू नो दे इज़ वन फीचर इन द लाइव क्लास विच अभी तक मेरे बच्चों ने भर भर के यूज़ किया है दे रियली एंजॉय इट एंड यू नो जो एक कुछ कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं ना जिसको टाइप करने में इट्स नॉट दैट ईजी टू मेक श्योर के सामने वाला समझ जाए तो डायरेक्टली जब डाउट आया इज एन ऑप्शन ऑफ रेज हैंड यू कैन जस्ट रेज हैंड एंड आस्क योर डाउट तो एक अच्छा वन वन टू कॉन्वर्जेशन भी हो जाता है आपका एजुकेटर के साथ एंड यू गेट टू नो ओ मैं ये डाउट कर रहा था समझ में आ गया सो बहुत ही शानदार फीचर है रियली लव दैट फीचर ओके देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है पूरा एक प्लान रहता है जैसे अगर आप अभी बैच में एनरोल करते हो एंड इफ इन केस देर एन एग्जाम इन सेप्टेम्बर राइट तो मेक we'll sure कि तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उस टाइम तक स्ट्रक्चर तो क्लासेस है कौन सा मटेरियल कलेक्ट करूं क्या देखूं क्या नहीं करूं तुम्हारा लाइफ एकदम क्लियर है तुम्हें पता है क्या करना है ठीक so है सो डोंट वरी ठीक है टेस्ट हैं सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं मेंटरशिप आपको मिल जाती है यू you नो know, बच्चों दिस इज समिंग वेरी स्पेशल अबाउट आर महाबली बैच आप बच्चे जब मैसेज करते हो ना इवन इन टेलीग्राम सो आप बच्चे पर्सनली भी मैसेज करते हो जब ग्रुप पे मैसेज करते हो ना वी ऑल एजुकेटेड ऑफ आर टीम महाबली एंड श्योर कि आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा ऐसा मन में डाउट लेके सो रहा है So we all कि भले ही कितना भी टाइम हो जाए ना बच्चे को रिप्लाई करना है उस टाइम पे सो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल विच वी ऑल महाबली एजुकेटर्स एंड कि यार डाउट बच्चे के दिल में नहीं रहना चाहिए क्लियर हो जाना चाहिए सो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन टू आर क्लासेस यूजिंग माई कोड एंड माई कोड इज एस एस ट्वेल्व टू गेट दैट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट बच्चा पार्टी ट्वेंटी थर्ड अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है. डोंट स्किप एनी क्लास ज्वाइन दैम मजा आएगा डू यू ऑल वॉन्ट टू सी द टाइम टेबल ऑफ द क्लासेस सो दिस इज द टाइम टेबल एक बार बता देती हूँ मैं आपको आपके दिन की शुरुआत होगी यार शांतम सर के साथ बिजनेस लॉ बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाते हैं सर सीरतली मजा आ जाता है उनकी क्लास में सो ट्वेंटी थर्ड अप्रैल से शांतम सर की क्लास होगी एट एट थर्टी ए एम टू टेन ए एम मंडे टू सैटरडे ठीक है तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्केड्यूल आफ्टर दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास होती है सी ए आदित्य शर्मा सर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के खतरनाक कंसेप्ट एकदम ईजी तरीके से पढ़ा के फिनिश कर देते हैं टाइमिंग है टेन फिफ्टीन ए एम टू इलेवन फोर्टी फाइव ए एम बैक टू बैक क्लासेस है मतलब थोड़ा सा बीच में आपको टाइम मिला देन मंडे टू सैटरडे इज द फ्रिक्वेंसी ठीक है देन आई विल कम बहुत ही शानदार टाइम है भाई हमारा ठीक है तो तुमने यार इलेवन फोर्टी फाइव तक पढ़ लिया फिर यार आपकी बारी है मैथमेटिक्स पढ़ने की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने की तो हमारा टाइमिंग है 12 पी से 1:30 थर्टी और यस मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होगी और आपका जो क्लास एंड होगा दैट विल बी विद राकेश सर भाई अकाउंटिंग के कंसेप्ट सर इतने मस्त तरीके से पढ़ाते ना तो तुमको लगेगा इतना आसान था अकाउंट्स सीरियसली यू विल एंजॉय हिज क्लासेस टू सो ट्वेंटी थर्ड अप्रिल टू पी एम टू थ्री थर्टी पी एम मंडे टू सैटरडे तो दिस इज द स्केड्यूल आप चाहो तो यार इसका एक स्क्रीन ले सकते हो बच्चो आई विल जस्ट से कि डिले नहीं करना है मेक द राइट डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन दैट्स इट इसके अलावा अगर मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो यार कमेंट सेक्शन जो है ना कमेंट सेक्शन वो आपका है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन का बहुत अच्छे से यूज करें और अपने डाउट्स को यार हमारे साथ शेयर करें ओके चलो थैंक यू सो मच बच्चों टेक केयर